हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप बजाज फाइनेंसर की तरफ से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से। बहुत सारे लोगों को पैसे की ज़रूरी होती है लेकिन 1 लाख 2 लाख लोन लेना चाहते हैं लेकिन उसे नहीं मिल पाते हैं। लेकिन गाइज आज के इस वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीट प्रोसेस बताऊँगा जिसके वजह से आप बजाज फाइनेंसर की तरफ से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे पर्सनल लोन और आपका लोन इंस्टेंटली आपके क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में। अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपये लोन लेना चाहते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों उससे पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सौदागर और आप देख रहे हैं अंतरजाल की दुनिया यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मैं इसी तरीके को नई इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको बजाज फाइनेंसर की तरफ से पर्सनल लोन लेने के लिए आपको अपने फोन की क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं। क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे उसके बाद यहां पर टाइप करेंगे बजाज फाइनेंसर के, मैं यहां पे टाइप कर लिया हूं बजाज फाइनेंसर पर्सनल लोन अप्लाई, यहां पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने में नेक्स्ट पेज खुलकर के ओपन हो जाएगा। यहां पे आपको पूछा जा रहा है कि आप किससे लोन लेना चाहते हो। यहां पे बजाज फाइनेंसर की तरफ से हम लोन लेना चाहते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑनलाइन अप टू ₹40 लाख, यानी कि 40 लाख तक मुझे लोन मिल सकता है यहां पे पर्सनल लोन बजाज फाइनेंसर की तरफ से। तो मुझे यहां पे अप्लाई फॉर इंस्टेंट पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है गाइस आपके सामने में नेक्स्ट पेज खुलकर के ओपन हो जाएगा जो कि बजाज फाइनेंसर का ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके सामने में यहां पे 1 लाख रुपये दिखाया जाएगा। आप 1 लाख रुपये यहां तक लोन लेना चाहते हैं या फिर इससे ज़्यादा लोन लेना चाहते हैं तो आप यहां पे अगर 2 लाख रुपया लेना चाहते हो तो यहां पे 1 को हटा करके 2 यहां पे टाइप कर देंगे। उसके बाद 2 लाख रुपये यहां पे टाइप कर देना है, इस तरीके से आप यहां पे कर देंगे। उसके बाद गाइस आपको यहां पे नीचे अप्लाई वाला बटन दिखाई दे रहा होगा तो आपको यहां पे अप्लाई वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने में फिर से नेक्स्ट इंटरफेस खुल करके ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है गेट स्टार्ट। अब आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिल करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, जिसके भी नाम से आप लोन लेना चाहते हैं उसका फर्स्ट नेम आप यहाँ पे डालेंगे, जो भी उसका डॉक्यूमेंट में होगा या पैन कार्ड या आधार कार्ड में उसका फर्स्ट नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद लास्ट नाम उसका डाल देना है, जो भी उसका टाइटल होगा। उसके बाद जो भी उसका एरिया का पिन कोड होगा जिसके आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके आधार कार्ड में जो भी पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ पे डाल देंगे 6 डिजिट का। उसके बाद जो मोबाइल नंबर है उसका वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ सैलरी है या सेल्फ एम्प्लॉयड है वो आप यहां पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहां पे गेट ओटीपी वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने में ओटीपी आएगा, ओटीपी को मोबाइल नंबर में वहां डाल देना है। उसके बाद आपको फिर से सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपके सामने में नेक्स्ट पेज खुल करके ओपन हो जाएगा। यहां पे फिर से आपको पूछा जा रहा है कि आपके सैलरीड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेस है, जो भी आप पहले नाम डाले होंगे उसका फर्स्ट नाम आपको यहां पे दिखाई देगा जैसा कि आप देख सकते हो। तो यहां पे आपको सैलरीड है या बिजनेस ओनर है वो आप यहां पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहां पे जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट यहां पे सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद जो भी आप डेट ऑफ बर्थ होगा आपका वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे जो भी मंथली टेक होम सैलरी, यानी कि आप घर बैठे घर में कितना कमा लेते हो मंथली, वो मंथली आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, आपके बिजनेस में जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे, 1, 2, 3 या फिर 0 है तो 0 आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे ही ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है पैन कार्ड नंबर, जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर होगा वो पैन कार्ड का नंबर आप यहां पे डाल देंगे जिसके भी नाम से लोन लेना आप चाहते हो। उसके बाद यहां पे आ रहा है रेसिडेंस पिन कोड, जहां पे आप रह रहे हो वहां का पिन कोड चाहिए, एरिया का पिन कोड, तो वो आपको एरिया का पिन कोड 6 डिजिट का आपको यहां पे डाल देना है। उसके बाद यहां पे रेसिडेंस एड्रेस, जहां पे आप रह रहे हो उसका रेसिडेंस एड्रेस चाहिए, तो आपका जो भी आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर डिटेल्स होगा एड्रेस, वो एड्रेस आपको यहां पे डाल देना है। उसके बाद यहां पे एग्जिस्टिंग मंथली EMI, यह इसका कहने का मतलब है अगर पहले से आपका कोई लोन चल रहा है तो कितना चल रहा है EMI उसका वो आप यहां पे डाल देंगे, अन्यथा अगर नहीं चल रहा है तो उसको यहां पे नहीं डालेंगे। उसके बाद यहां पे नीचे में आ रहा है पर्सनल ईमेल आईडी, जो भी आपका एक ईमेल आईडी है वो एक ईमेल आईडी आपको यहां पे डाल देंगे। उसके बाद आपको यहां पे गेट ऑफर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने में नेक्स्ट पेज खुल करके ओपन हो जाएगा। यहां पे देख सकते हो जो भी आपका टाइटल होगा वो नाम हुआ फर्स्ट नाम वो यहां पे शो करेगा। उसके बाद यहां पे आप कितने लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपका यहां पे दिखाया जाएगा। जैसे हमारे केस में यहां पे ए पर्सनल लोन ऑफर ₹3 लाख इज रेडी फॉर यू, यानी कि मेरे पेस में यहां पे 3 लाख रुपये लोन देने को तैयार है, हम यहां पे 3 लाख रुपये लोन ले सकते हैं। तो हम यहां पे देख लेंगे कि मेरा यहां पे 24 मंथ के लिए है या फिर 36 मंथ के लिए या फिर 48 मंथ के लिए है या फिर 60 मंथ के लिए है, आप कितने मंथ के लिए लोन लेना चाहते हो। अगर आप यहां पे 36 मंथ के लिए लोन लोगे तो आपको यहां पे लिखा हुआ है ₹10,400 पर मंथ आपको EMI लगेगा और 15% आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा। यहां पे आप सब कुछ देख लेंगे, आप चाहे तो 48 मंथ का भी ले सकते हैं, आप चाहे तो यहां पे 60 मंथ का भी ले सकते हैं, जितना आप लंबा समय लोगे उतना आपका ब्याज जो है कि बहुत ही ज़्यादा लगेगा।
रहेगा, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। तो हमारे केस में यहाँ पे सही है। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस फिर से आपके सामने में नेक्स्ट पेज खुल करके ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट योर एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। अब आपको यहाँ पे जहाँ जो भी बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस का नाम एड्रेस डालना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस ईमेल आईडी। आप जो भी ईमेल आईडी पहले डाले हो वो ईमेल आईडी को छोड़ करके कोई दूसरा ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है डिसीजन वर्क, यानी कि आप क्या काम करते हो वो आपको यहाँ पे काम का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि आप कितना ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे हो वो यहाँ पे आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है करंट वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि आप जो काम कर रहे हो जिस बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हो तो उसमें आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है या कितने दिन का एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि आपको टोटल कितना हो चुका है वो यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देना है। तो आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे आपके सामने में फिर से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल करके ओपन होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस लोकेशन पिन कोड, जहाँ पे भी आपका ऑफिस है या बिजनेस है चल रहा है वहाँ का लोकेशन और पिन कोड, यानी कि पिन कोड आपका एरिया का डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क फोन नंबर, जो भी ऑफिस में आपका बिजनेस है या फिर कुछ भी है उसका फोन नंबर आप यहाँ पे अलग फोन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर मांग रहा है ऑफिस एड्रेस लाइन, जो भी जहाँ पर भी आपका ऑफिस है या फिर बिजनेस चल रहा है वहाँ का आपको एड्रेस डालना है, एड्रेस लाइन 1 में, एड्रेस लाइन 2 में। अगर आपका एड्रेस लाइन में वो एड्रेस नहीं आ पाता है तो आप एड्रेस लाइन 2 में भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एरिया लोकेलिटी, यानी कि आपका ऑफिस आपका बिजनेस किस एरिया में चल रहा है वो आप यहाँ पे एरिया का नाम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद बैंक नेम आप यहाँ पे डाल देंगे कि किस बैंक में आपको पैसे लेना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने में फिर से नेक्स्ट पेज खुल करके ओपन हो जाएगा। जो भी नहीं कर रहा है जो कि आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेना है। स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद 24 घंटे के बाद से लेकर 48 घंटे के अंदर तक आपके बजाज फाइनेंसर की तरफ से एक कॉल आएगा। उस कॉल के जरिए से आपको वहाँ पे पूछा जाएगा कि आप लोन लेना चाहते हो या फिर नहीं लेना चाहते हो। अगर आप वहाँ पे बोलोगे हाँ और जो भी डिटेल्स आपसे पूछे जाएंगे वो सही सही आप बताएंगे तो आपका वहाँ से लोन जो है कि पास कर दिया जाएगा। फिर से दोबारा कॉल आएगा और आपको वहाँ पे 2-3 कॉल के जरिए से आपको वहाँ पे लिंक भेजा जाएगा, जिसके वजह से आप वहाँ पे पूरा यस या नो करना है तो आप करेंगे तो आपका वहाँ पे सब कुछ सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आपका लोन जो कि जितने भी अमाउंट होंगे वो सारे के सारे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। दोस्तों ये थी बजाज फाइनेंसर की तरफ से पर्सनल लोन लेने की पूरी एक्सप्लेन, जो कि पूरा का पूरा एप्लीकेशन को फिल करके मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। आप इसी तरीके से ऑनलाइन घर बैठे अपने पर्सनल लोन ले सकते हैं, 2-3 लाख जितने भी आपकी जरूरत होगी और आपको जितना भी देना चाहेगा आपके अकाउंट के हिसाब से, सिविल स्कोर के हिसाब से आप आसानी से लेकर के लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप समझ ही गए होंगे कि पर्सनल लोन लेने के लिए अप्लाई कैसे करेंगे ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फोन से। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मैं इसी तरह कोई नया इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।